Hello guys, subscribe the Christian Knowledge channel and hit the bell icon to get all the latest notification about the technical and educational videos. Hello guys, welcome to all of you to YouTube channel Christian Knowledge, myself Praveen. और दोस्तों आज के जो वीडियो है मैंने बोला ही था कि नेक्स्ट वीडियो हमारे स्टैटिस्टिक्स पर होगा. सो स्टैटिस्टिक्स शुरू करने से पहले कि आई होप कि आप लोगों का न्यू ईयर बहुत ही अच्छा गया हो. मेरा ठीक ठाक, मेरा भी ठीक था. ओके सो आने वाले न्यू ईयर में आप लोग कुछ अच्छा करो. आप स्टूडेंट्स हो, आपसे बात करूंगा तो आपके बेटर जॉब, बेटर लाइफ, बेटर अच्छी खासी सैलरी, ओके इसी चीज की कामना करता हूँ. ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स शुरू करने ना है हमें आज. तो इसी कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कि अगर जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, टेलीविजन देखते हैं, मैगजीन्स देखते हैं, तो हमें उसमें कुछ डाटा मिलता है. अब वो डाटा टेबलेट फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिकल फॉर्म में हो सकता है, ओके कुछ भी, वो अपने आप को उसमें आप देखोगे तो मिलेगा. जैसे आप कभी क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में दो टीम्स की जो कंपैरिजन बनाता है वो ग्राफ टाइप का बनाता है. ठीक है, चढ़ते हुए तो ग्राफ टाइप का बनता है. तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, अब ये जो फैक्ट्स कह सकते हो, न्यूमेरिकल फिगर्स कह सकते हो, टेबल्स और ग्राफ्स के फॉर्म में रहती है, मिलती कहाँ से? न्यूज़पेपर, टेलीविजन और मैगजीन से. एक्चुअली उसमें होता क्या क्या है, तो उसमें आप क्रिकेट से रिलेटेड, प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी से रिलेटेड, टेम्परेचर, बहुत सारे जो भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उसमें हर एक स्टेट्स की आपको टेम्परेचर पर डे के हिसाब से शो किया जाता है. पोलिंग रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट, जब कोई वोटिंग होना होता है तो आफ्टर वोटिंग होने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं हर एक जो भी पार्टीज के, तो पार्टी वाइज उसके वोटिंग लिखे हुए होते हैं, तो वो भी एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है फैक्ट्स को. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होता है, ओके न्यूमेरिकल फिगर्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, इन सारी चीजों को, तो एक्चुअली में डाटा है. एक्चुअली में क्या है? डाटा है. सो कहना है कि दिस फैक्ट्स ऑफ फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल अदरवाइज कलेक्टेड विथ अ डिफिनिट पर्पस आर कॉल्ड डाटा. मतलब कोई डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग इन चीजों का एक गैदरिंग करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो वो डाटा कहलाता है. और इन्हीं डाटा में से कुछ एक्सट्रैक्शन करना, इंफॉर्मेशन मतलब यूजफुल चीज को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं उस ब्रांच को स्टैटिस्टिक्स नाम दिया गया है. ठीक है, सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडी इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. आई होप कि स्टैटिस्टिक्स की कहानी थोड़ी सी समझ में आपको आ रही होगी कि स्टैटिस्टिक्स आखिर होने क्या जा रहा है, क्या होगा, अभी में क्या पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में. तो हम लोग एक्चुअली में डाटा को एनालिसिस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स बनाएंगे. ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्लास 9th में हो और आपकी क्लास में 50-60 जितने भी स्टूडेंट्स हो, तो मैं बोलता हूं कि 20 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में और हर एक की हाइट को आप निकालो, तो हर एक का हाइट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 20 हाइट निकालोगे, तो ये डाटा का कलेक्शन हुआ. ये डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो. अब जिस फॉर्म में करना चाहो, टेबलो फॉर्म में करो, हर एक का नाम, हर एक की हाइट आप लिख सकते हो, उसमें आप चाहो तो उस बंदे का रोल नंबर भी दे सकते हो, तो एक तरह से डाटा कलेक्शन हुआ. ठीक है, तो इस चीज को हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग इससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स हुआ. तो इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तो हमें दो टर्म पढ़ने हैं इस चीज में. एक होता है रेंज, एक होता है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दो टर्म है, एक है रेंज और दूसरा है फ्रीक्वेंसी. रेंज और फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए आप बोर्ड पर एक क्वेश्चन देखो. आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा,
इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि क्लास नाइन्थ में बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, 30 बच्चों का बात किया जा रहा है इसमें, 30 स्टूडेंट्स, और 30 स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 100 जो एग्जाम हुआ है उसमें कुछ मार्क्स आए हैं, वो मार्क्स जो 10 से चालू है कि फर्स्ट जो भी स्टूडेंट है उसको 10 मार्क्स आए हैं, 10 मार्क्स आए हैं, दूसरी को 20, देन 36, इस तरह से करते करते पूरे 30 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स आए हुए हैं, ठीक ना। तो इसमें अगर बोले फ्रीक्वेंसी जो टर्म हमें समझना है इस चीज में, तो इसमें आप देखोगे कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं इसमें जिसको 70 मार्क्स आए हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं इसमें ऐसे हैं जिनको इक्वली 70 मार्क्स आए हैं। सो फ्रीक्वेंसी जो होगा 70 मार्क्स, अगर 70 मार्क्स एक हुआ और ऐसे ऐसे 4 स्टूडेंट्स को आया, तो 4 को फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 मार्क्स इज 4, ओके। सो और रेंज की आप बात कर लो, रेंज जो आपका जो सबसे कम इसमें जो वैल्यू होगी, आप देखो जो सबसे कम वैल्यू होगी, आई थिंक इसमें 10 सबसे कम वैल्यू है, और इसमें जो सबसे बड़ा है वो है 95, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा आप 95 में से 10 को माइनस करके पता कर सकते हो कि इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी समझे कि कितनी बार कोई चीज आ रही है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और रेंज सबसे बड़े वाले को सबसे छोटे से अगर माइनस करते हो तो आपको रेंज का पता चल जाता है। दूसरा नेक्स्ट फिगर आप देखो जिसको बनाया गया है इस चीज को, कि जैसे 10 किसी का जैसे 10 मार्क्स आया है, और 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का आए हैं, आई थिंक 1 एक ही स्टूडेंट है जिसको 10 मार्क्स आए हैं, इस तरह से 20, 36, 40। तो आप इसको एक फिगर जो कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, आप इसको इस तरह से फॉर्म करके बना सकते हो, एक टेबुलर फॉर्म दे सकते हो कि 10 को कि 10 स्टूडेंट्स, 10 मार्क्स आए हैं एक स्टूडेंट को, 20 मार्क्स आया है सिर्फ एक स्टूडेंट को, 36 लाए हुए मार्क्स ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं, 40 4 स्टूडेंट्स को आए हैं, 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को आए हैं, 56 2, 60 40, 70 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स को आए हैं, 80 मार्क्स सिर्फ एक स्टूडेंट को आया है, 88 2 स्टूडेंट्स को आए हैं, 92 3 स्टूडेंट्स को आए हैं, 95 सिर्फ एक ही स्टूडेंट को आया है। तो आप फिगर देख सकते हो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आए, जो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले पिक्चर में दिखाया था उस तरह का क्वेश्चन आया, तो आप इस तरह का फॉर्म बना सकते हो, टेबुलर फॉर्म दे सकते हो इस चीज को। तो इसका जो एक स्पेशल नाम आपको एग्जाम्पल या क्वेश्चन में या एग्जाम में रहेगा उसको बोलेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या नाम रहेगा बोर्ड पे देखो, उसको बोलेंगे हम लोग अनग्रुप्ड। मैं इसको बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको पिक्चर के हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नोट्स में है, सो आप नोट्स प्रेफर करो, नोट्स डाउनलोड करो, नोट्स में है सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, अगर बोर्ड पे कुछ विजिबल ना हो तो आप नोट्स से देखो, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपको जब भी एग्जाम में या अभी जब आप क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज के, तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल हो तो इसी तरह से बनाना, जैसा कि पिक्चर में है, ठीक है। दूसरा जो टर्म हमें समझना है वो है क्लास साइज, इसको एक अलग नाम भी बोलते हैं, विड्थ भी बोलते हैं, क्लास विड्थ भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए भी हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि बोर्ड पर है आप देख सकते हो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में है कि 40 इंजीनियर्स हैं, 40 इंजीनियर्स हैं जो कि काम करते हैं, और सब अलग अलग जगह पर रहते हैं, ठीक ना, बट काम करने का जगह तो एक ही होगा। तो उनके डिस्टेंसेस जहां वो रहते हैं और उनके काम करने की जगह तक के डिस्टेंसेस को दिया गया है 40 इंजीनियर्स, जितने भी 40 इंजीनियर्स हैं सबके दिए हुए हैं। सो द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वी आर फाउंड एज
फॉलोअर्स। तो पहला जो इंजीनियर है वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहता है, दूसरा 3, इस तरह से करते करते आपको 40 इंजीनियर्स के डिस्टेंसेस दी हुई है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने तो अनग्रुप पढ़ा है, तो ग्रुप्ड किसको कहा जाएगा? ग्रुप उसको कहा जाएगा जिसमें हम लोग एक इंटरवल डिसाइड करेंगे। ओके, ग्रुप उसको कहेंगे जिसमें कि हम लोग एक इंटरवल डिसाइड करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा कि पहला इंजीनियर जो कि 5 किलोमीटर पे है, दूसरा 3 किलोमीटर पे है, तो अगर हम लोग बोले इसमें हमको जैसे बात करना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी ट्रेवल का, तो अगर हम लोग इंटरवल ले लेते हैं जैसे 0 से 5, और ध्यान रखिएगा कि 5 उसमें कंसीडर नहीं होगा, ठीक है, लास्ट वाला कंसीडर नहीं होता है। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आपको बोले तो आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है जिसमें कि आप इंटरवल लेकर के बनाते हो। इससे पहले आपने इंटरवल नहीं लिया था, ठीक ना, इंटरवल इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उसमें छोटा अमाउंट रहता है, ठीक है, छोटा अमाउंट रहता है तो आप नहीं भी लोगों तो चलेगा, बट जब हैवी हो जाए, जब 100 की बात करने लगे, 200 की बात करने लगे, तो आपको वहां पे एक इंटरवल लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 0 से 5 किलोमीटर के बीच में जितने भी इंजीनियर्स होंगे उसको आप लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, इसमें 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। अब फिगर देखो, फिगर में इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि 0 से 5 जो भी इंजीनियर्स हैं, टोटल 5 इंजीनियर्स हैं जो कि 0 से 5 में लाए करते हैं, ठीक है, इसमें 5 इंक्लूडेड नहीं है। सेकंड में मैंने 5 से 10 लिया है जिसमें 11 है, 10 से 15 है फिर जिसमें 11 इंजीनियर्स हैं, फिर 15 से 20 के रेंज के किलोमीटर डिस्टेंस में 9 इंजीनियर्स हैं, फिर 20 से 25 में 1, 25 से 30 में 1, और 30 से 35 जो कि सबसे लास्ट है, 2 इंजीनियर्स ही है जो कि सबसे लास्ट में है। ओके, और फिगर में आप एक नया चीज देख रहे होगे, बोर्ड पे देखना, टैली मार्क्स देख रहे होगे आप। तो टैली मार्क्स कुछ नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि जब आप मान लो कि फर्स्ट में आप देख रहे होगे कि जो 0 से 5 के बीच में टोटल कितने इंजीनियर्स, आई थिंक 5, ठीक है। तो टैली मार्क्स क्या बोलता है कि आप 1, 2, 3, 4 तक लाइन ड्रॉ करने के बाद जो 5वां है उसको आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक ना। तो टैली मार्क्स यही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से वो चलता है, ठीक है। फिर से बैक टू द पिक्चर, वापस पिक्चर में आप देखो कि फिगर तो बहुत ही शानदार बन गया है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, ठीक है, डिस्टेंस 0 से 5, टैली मार्क्स के साथ नंबर ऑफ इंजीनियर्स 5 हैं। सो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कंक्लूजन भी बताए कि आपको इस फिगर को देखने से क्या पता चल रहा है, ठीक ना। तो आप इस फिगर से देखने से क्या पता चल रहा है कि नीचे देखोगे तो 1, 1, 2 मतलब कुछ इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, बहुत ही कम इंजीनियर्स हैं यहाँ पे जो कि 20 किलोमीटर से ज्यादा के रेंज में रहते हैं, बहुत ही कम है। देखो 1, 1 एंड 2, 4 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो कि 20 से ऊपर में रहते हैं या उसके इक्वल में रहते हैं। तो इस तरह से आपको ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ग्रुप्ड अनग्रुप्ड अगर एग्जाम्पल में या एग्जाम में देता है तो आप किस तरह से बनाओगे, अनग्रुप्ड बोलेगा तो इंटरवल लेकर के बनाओगे। अब इंटरवल डिसाइड कैसे करते हैं, इंटरवल डिसाइड करना कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा, मान लो कि छोटा नंबर 2 है, ठीक है, और जो सबसे बड़ा नंबर है मान लो कि 23 है, तो आपके लिए सहूलियत क्या होगी कि 0 से 5 लेकर के इंटरवल आप बना लो, ठीक है। यही फिर जब डेसिमल में चले जाओगे, जब क्वेश्चन कभी डेसिमल के फॉर्म में रहे 0.002, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ उसका एग्जांपल नंबर, एग्जांपल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ, उसमें आपको 0 पॉइंट के फॉर्म में है तो आप उसको कैसे बनाओगे। तो क्वेश्चन देखो, आप बोर्ड पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी, द डाटा ऑब्टेन फॉर 30 डेज एज फॉलोस। किसी महीने मान लो सल्फर डाइऑक्साइड का जो
कंटेन है जो पाया गया हवा में वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, पूरा 30 दिन का दिया हुआ है। पहले दिन 0.03 है, दूसरे दिन 0.08 है, इस तरह से करते करते पूरे 30 डेज का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको बनाना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें यहाँ पे इंटरवल लेना पड़ेगा। अनग्रुप बोलता तो इंटरवल नहीं लेते, तो ग्रुप बोला हुआ है और मैक्सिमम टाइम आपको ग्रुप ही बोला जाएगा क्योंकि वो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दो नंबर में आपको अनग्रुप्ड वाला दे सकता है। ओके, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी ट्रेवल के लिए हमें इंटरवल लेना है और इंटरवल डिसाइड करना है। आपको इसमें सबसे अच्छी बात है कि इंटरवल इसने दे रखा है कि आप इतना से इतना लो, 0.00 से 0.04 आप ले लो और 0.04 से 0.08 आप ले लो। इस तरह से आप बढ़ते जाओ और आपका देखो कि सबसे ज्यादा कंटेंट किस महीने आया हुआ है, कौन सा सबसे बड़ा कंटेंट है, वो आपका लास्ट होगा। ओके, तो सॉल्यूशन आप देखो, उसका सॉल्यूशन है कि 0.0 से लेकर के 0.04 के बीच में जो कंटेन रहा सल्फर डाइऑक्साइड का वो टोटल डेज थे 4 डेज थे ऐसे जहां पे ये रेशियो रहा था सल्फर डाइऑक्साइड का। फिर 0.04 से 0.08 का 9 डेज ऐसे थे जहां पे इस रेशियो को, सल्फर डाइऑक्साइड के इस रेशियो को पाया गया 9 दिनों में, महीने के 9 दिन में इतना पाया गया। इसी तरह से आपका आगे बढ़ते हुए सबसे लास्ट अगर देखें कि 0.02 से 0.24 मात्र 2 दिन ऐसे थे जहां पे हमें ये रेशियो देखने को मिला। तो इस तरह से आपका तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बन गया भाई। दूसरा जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.1 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कौन कितने दिन, हाउ मेनी डेज बोल रहा है, कितने दिन आपको 0.01 से ज्यादा रहा। तो अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखो कि उसमें 0.011 से ज्यादा अगर बोले जाए तो 0.12 से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसके सामने जो डेज दिए हो उसको ऐड कर दो, 2, 4, 6 तो 8 डेज, ठीक ना। तो टोटल 8 डेज, महीने के टोटल 8 दिन ऐसे थे जहां पे 0.11 से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन एयर में मौजूद था। तो सिंपल क्वेश्चन है। ओके, सो बैक टू द बोर्ड। तो आप यहां से कर सकते हो कि तो आपका 5th नंबर एग्जांपल बहुत ही सिंपल पॉइंट वाला था इसलिए मैंने बता दिया, और ग्रुप्ड और ग्रुप से रिलेटेड थोड़ा सा जो भी डाउट होता है आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, क्वेश्चन है 6th। इसमें क्या करते हैं ना कि एक 3 कॉइन है हमारे पास, उनको टॉस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में है कि 3 कॉइन्स वी आर टॉस्ड 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली और ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फॉलो। तो 3 कॉइन्स को टॉस किया गया तो पहला बार ऐसा हुआ कि हमें कोई भी हेड नहीं मिला, ठीक है। दूसरा बार ऐसा हुआ कि एक कॉइन पर हेड था। तीसरा बार ऐसा हुआ कि 2 कॉइन पर हेड थे, एक पर टेल था। ओके, तो इसका जो आपको बनाना है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, मतलब इंटरवल तो नहीं लेना है। तो अगर मैं बोलूं कि 0 मतलब कि हेड नहीं आया हुआ, हेड नहीं आया तो कितनी बार ऐसा हुआ है, काउंट कीजिए कि 0 कितनी बार है इसमें। तो 0 आप काउंट करोगे तो 6 टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो आपका हेड नहीं आया हुआ टोटल 6 टाइम्स है। उसके बाद 1 मतलब एक बार तो हेड आया हो, वो कितनी बार है कि एक बार हेड आया, 2 बार टेल आया हुआ है, तो वो 10 है टोटल। इस तरह से आप सॉल्यूशन देखो नीचे में दिया हुआ है, उसी तरह 2 बार पे 9 टाइम्स और 3 मतलब तीनों पर हेड आया हुआ ऐसा 5 टाइम्स ऐसा हुआ है, 30 टाइम्स में 5 टाइम्स ऐसा हुआ है जिसमें कि आपको हेड आया है तीनों पर। तो इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बन गया, ठीक है। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डाटा, बस आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था। तो आपका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हो गया, क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे और एक्सरसाइज अब आप बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.